हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं शिमला का सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसमें 3 से 4 शिमले लगेंगे, जिसको आप अच्छे से धुल ले। प्याज 3 या 4, और बड़े साइज़ का 2 ले सकते हैं या छोटे साइज़ का 4 ले सकते हैं। मैंने छील करके इसे रख लिया है। यहाँ मसाले सब हैं, जीरा 1 चम्मच क्लब है, 2 सूखी मिर्ची हैं, मैंने मीट मसाला का यूज किया है, मीट मसाला या पनीर मसाला का आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर तेल गरम हो चुके हैं। तेल गरम होने के लिए तेल रखे हैं। इधर मैं शिमला को कट कर ली, प्याज को भी आप इसी तरह स्लाइस के रूप में कट कर ले। अदरक लहसुन को मैंने कटर की सहायता से कद्दूकस कर लिए हैं। अब मैं शिमला को फ्राई करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुके हैं, गरम हो चुके हैं। शिमला को फ्राई करना अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने शिमला को धोई लिया है, कलर का हो जाए तो आज भी इसको 2 से 3 चम्मच तेल में मैंने इसे भुना है। और तेल जो बचेंगे उसमें मैं अभी मैं आपको ट्रांसफर करने के बाद में दिखा रही हूँ कैसे इन्ग्रीडियंट्स मैंने इसमें यूज किए हैं। सूखी सब्जी बहुत ही टेस्टी और नई होती है। प्लीज़ आप लोग इसे ये तरीके से बना। 1 चम्मच के लगभग मैंने जीरा लिया है, सूखी मिर्च को मैंने कट कर लिया है। अब इस तरह पकाएंगे तो मैं इसमें, आप देख सकते हैं मैंने इधर आलू उबाल लिए थे, उसको कट कर लिए हैं। 4-4 भागों में मैंने कट किए हैं। आप इसी तरह से आप कट कर सकते हैं, देखिए 4 भागों में है। इसी तरह से कट कर, ज़्यादा छोटा टुकड़ा ना कर, क्योंकि इसे भूनने में मिक्स हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। ज़्यादा छोटे टुकड़े होंगे तो चलाते वक्त में पूरे आलू के भरते की तरह बन जाएंगे, इसलिए मैंने बड़े बड़े टुकड़े किए हैं। आप इसी तरह का, इसी साइज़ का कर लें टुकड़े। अब आप देख सकते हैं इधर जीरा तरक चुका है। अब मैं इसमें 5-6 लहसुन की कलियाँ को मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था मैं, मैली थी, उसे मैंने इसमें ग्राइंड करके पूरे को एक साथ डाल दिया। अब इसमें ये देखिए हल्का हल्का ये भूनने लगा है, थोड़ा सा सीख गया। उसके बाद में आप इसमें जो मैंने प्याज स्लाइस के रूप में कट किया था उसे आप इसमें डाल दें और पिंक होने तक इसे अच्छे से भूने। भूनी हम लोग अधिक टेस्टी हम ना रखें। आप देख सकते हैं गुलाबी कलर का ये होने लगा है प्याज, उन्हें इसमें 1 चम्मच के लगभग होगा तो सबसे पहले नमक डाल दें और 2 मिनट के लिए चला करके खाए। इससे प्याज थोड़ी सी गल जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी प्याज। देख सकते हैं इसमें सारे मसाले आपने 2 चुटकी के लगभग, 1/2 स्पून के लगभग मैंने इसमें 1/2 स्पून के लगभग टर्मेरिक पाउडर डाला है। आप इसी तरह डाल दें 1/2 चम्मच के लगभग, 1/2 से थोड़ी सी कम मैंने गरम मसाले का यूज किए हैं। तीखा अगर अधिक पसंद कर रहे हैं तो 1 चम्मच के लगभग आप मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, तो 1/2 चम्मच का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, इतना डाल सकते हैं तीखापन के लिए। करके आप देखिए, देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें मसाले डाले हैं, सब्जी मसाले मैंने ऐड किए हैं। और मैं इसे थोड़ा सा पनीर मसाले ऐड कर दूँगी, जिससे ये इसका टेस्ट और 4 गुना बढ़ जाएगा। अब सारे मसाले को आप इसी तरह करके भून लें, इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए भूनते हैं। जब ये हल्के से भून जाएंगे बस तो ये लगने लगे कि फिर से तेल छूट रहे हैं, देखिए इस तरह से मुझे लगभग 10 से 20 सेकेंड के लगभग इसमें लगते हैं और ये अच्छे से भून लिया जाता है। प्याज भी देख सकते हैं भून चुका है। अब इसमें आप आलू जो मैंने कट किए हैं उसे आप इसे डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिलाते हुए पहले भूनिए। देखिए ये आप पाटे वगैरह भी इसमें मैंने टमाटर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं नहीं डाल सकती हूँ। आप धनिया की पत्ती टमाटर डाल करके इसे और भी टेस्टी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आप भी मिलाते जाएँ इसे, जब अच्छे से पोस्ट हो जाए कि मसाले मिक्स हो जाए तब आप इसे डाल सकते हैं। सब कुछ इसमें ऐड कर चुके हैं सारे मसाले इन्ग्रीडियंट, सबकी मात्रा भी आपको बताइए इस तरह से आप भी डालें। और अब देखिए
अगर मैंने अधिक मसाले में इसको भून लिया होता तो ब्लैक हो जाते, तो देखने में खूबसूरत नहीं लगते। देखिए कितने सुंदर ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं, देखिए हम अच्छे भी देखने में लग रहे हैं थोड़े सही से। अब बिल्कुल दस से सात मिनट लगभग में ये सब्जी क्योंकि सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इसे घर पे बनाएं, पूरी पराठे चावल के साथ लंच में डिनर में आप इसे दे, और ट्रैफिक आप सफ़र में भी इसे ले जा सकते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।